आंसर कैंसिल करना पड़ा। मोदी जी जो भी निर्णय लेंगे वो बहुत ही सही और सक्षम होगा और बहुत ही उचित निर्णय लेंगे। हम लोगों को मोदी जी पे पूरा विश्वास है और हम उसी विश्वास पे आगे बढ़ रहे हैं और बहुत ही जल्दी वो निर्णय होगा और बहुत ही कड़ा कदम होगा। मैं जन शक्ति चैरिटेबल ट्रस्ट को यही कहना चाहूँगी, ये कार्यक्रम शुभ कार्यक्रम था, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम था, कई वर्षों से उनका ये कार्यक्रम चला आ रहा है, लेकिन आज उन्होंने हमारे जवानों पर जो ये कातिलाना हमला हुआ है, बर्बरता के साथ जो हमारे फियादीन आतंकियों ने हमला किया है, उसके हमले के कारण उन्होंने जो ये निर्णय लिया कि हम बहुत ही सादगी से हल्दी कुमकुम करेंगे, कोई गाने नहीं होंगे, कोई बजाना नहीं होगा। शुरू में ये प्रोग्राम बड़े भव्य तरीके से करने का प्रोग्राम था, कल तक ये प्रोग्राम बड़े भव्य तरीके से लोगों को निमंत्रण जा चुका था और कुछ मुख्य अतिथि हमारे बीच आने वाले थे, जैसे हमारी मंत्री श्री विद्या ठाकुर जी आने वाली थी, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा और हमारे यहाँ के सांसद श्री पूनम ताई महाजन जी भी आने वाली थी, लेकिन एक ऐसी दुखद घटना जो एक ऐसा कायरतापूर्ण का एक काम को अंजाम दिया आतंकवादियों ने, जिसमें हमारे करीब 42 CRPF के जवान शहीद हुए, उस वजह से हम लोग बड़े दुखी हो गए हैं। एक प्रकार से ये कार्यक्रम समझिए कि कैंसिल करने का भी मन बना लिया था, लेकिन फिर लोगों से बात हुई कि जो मुख्य अतिथि हैं उनसे कह दिया जाए कि आप लोग बना है और शांति ढंग से जननी शक्ति की महिलाओं को आने दिया जाए और बिना किसी शोर शराबा भजन, जो कि पहले उनका एक भजन होता था, लोग जुटते थे, संगीत कार्यक्रम होता था, वो सब कार्यक्रम कैंसिल कर दिया गया, माइक को भी पूरी तरह से बंद कर दिया गया और सबको एक मौन श्रद्धांजलि देने के बाद शांति तरीके से देखिए किस तरह से लोगों को बिना आवाज़ के इस कार्यक्रम को अंजाम दिया जा रहा है। जो व्यवस्था तो बहुत अच्छी थी, वहाँ का बयान तो मैं आप लोगों से कर ही नहीं सकती। हाँ, ऐसे लग रहा था कि सारे देव लोग प्रयाग में उस समय आके उनका वास था। और योगी जी जितनी भी अच्छी व्यवस्था, इतनी अच्छी व्यवस्था अभी जो मेरे दादा दादी हैं वो भी बता रहे थे कि इतनी अच्छी व्यवस्था यहाँ कभी हुई ही नहीं थी। वहाँ का तो मुँह से हम नहीं बोल सकते कि वहाँ कितनी अच्छी व्यवस्था थी और कितना अच्छा वहाँ का दृश्य था। हम अपने शहीदों के उनके लिए मेरे कहने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। जो उनके साथ हुआ, मेरे देश के साथ हुआ, वो बहुत दुखद घटना हुई, ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन मेरे प्रधानमंत्री जो हैं इसका मुँह तोड़ जवाब देंगे और उनके परिवार को मैं यही चाहूँगी कि भगवान सहन शक्ति दें, ये दुख के घड़ी में उनको सहने की शक्ति दें, और इससे ज़्यादा उनके बारे में मैं नहीं बोल पाऊँगी, क्योंकि वो कमियाँ तो कोई उनका, उनके बच्चों का, उनके बीवी का, उनके माँ बाप का या उनके गांव वाले का कोई पूरा कर नहीं सकता। ये जो घटना हुई है बहुत गलत हुआ है, ऐसा घटना भगवान करे कि अब दोबारा कभी ना हमारे देश में हो, किसी भी देश में ना हो। तो हमारे एरिया की दो महिलाएं थी, लेकिन यहाँ से कुरला से भी आई थी कुछ लेडीज़ दादर से आई थी, कुछ लेडीज़ मलाड से आई थी, जैसे ओछे थोड़ा और से सारी हमारे एरिया की थी। तो दर साल करते हैं ऐसे ही, पता नहीं भगवान की कहाँ से कृपा होती है कि ये बहुत सुंदर हो ही जाता है, और इसमें मेरा भजन का प्रोग्राम था लेकिन इसीलिए मैंने कैंसिल कर दिया था, और इसको सादा तरीके से कि सबको इनवाइट कर दिए थे तो इसको मना नहीं कर सकते थे सबको ना, इसलिए मुझे ये मजबूरी में करना पड़ा।